हेलो गाइस, मेरा नाम है सनी। आप देख रहे हैं पासी चैंप। और जो आज की हमारी ये वीडियो है एक टैबलेट के ऊपर है, नेटराइज के ऊपर। और गाइस, ये जितनी वीडियो मैं बना रहा हूँ ये सारी की सारी मेडिसिन की रिव्यू के ऊपर है। और बहुत ही जल्दी से इन सभी टैबलेट्स को कवर करने की मैं कोशिश करूँगा, तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, लेट्स डाइव इनटू इट। तो ये है गाइस नेटराइज टैबलेट, देखिए इसके अंदर साल्ट है टोलैप्टन 15 mg, और आप देख सकते हैं गाइस ये 4 टैबलेट हैं इसके अंदर। ये देखिए स्टिप ऑफ 4 टैबलेट्स, और ये सन फार्मा का प्रोडक्ट है टोलैप्टन टैबलेट्स नेटराइज। और गाइस इस टैबलेट के बारे में मैं आपको इस वीडियो में अच्छे से बताऊंगा, पहले देख लेते हैं इसके अंदर क्या क्या मिलेगा। तो लिटरेचर पेपर के साथ आपको ये 4 टैबलेट मिलती है इस पैकिंग के अंदर। और इसके प्राइस की बात करें तो गाइस ये थोड़ी सी कॉस्टली है, और ये देखिए आपको 472 रुपये की 4 टैबलेट मिलती है। और इस वीडियो में आपको दिखाऊंगा कि ये कितनी छोटी टैबलेट है, और इस टैबलेट का जो यूज है ये लो सोडियम की कंडीशन में होता है, जब सोडियम का लेवल जो है कम हो जाता है। देखिए 472 की ये टैबलेट है 4, और आप इसके सामने बैच नंबर और एक्सपायरी डेट वगैरह देख सकते हैं। देखिए रूम टेम्परेचर पर जो है आपने इसे रखना है, और तो चलिए अब आपको मैं टैबलेट दिखा देता हूँ। तो गाइस ये देखिए ये कुछ आपको ऐसी ये टैबलेट दिखेगी, ये देखिए कितनी छोटी टैबलेट है। और इसका यूज़ सिर्फ लो सोडियम के लिए यूज़ होता है, अगर सोडियम का लेवल जो है वो कम रहे तो गाइस सीज़र वगैरह आते हैं, या फिर हार्मोन इनबैलेंस भी हो जाता है। तो कॉन्गेस्टिव हार्ट फेलियर और हार्मोन के इनबैलेंस की कंडीशन में इस टैबलेट का यूज़ होता है। वैसे तो क्लिनिकल डिजीज़ है इसकी, और ये ग्रुप की भी मेडिसिन है, लेकिन आपको समझ आए ऐसी भाषा में आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि आप समझें इस टैबलेट को किस कंडीशन में यूज़ करते हैं। तो आपको ये टैबलेट आप खाने के साथ या खाने के बिना भी ले सकते हैं, पानी के साथ। इस टैबलेट को पानी के साथ या खाने से पहले, यानी कि खाने के साथ और बिना खाने के आप ले सकते हैं। और इस टैबलेट का जो यूज़ है वो मैंने बता दिया, लो सोडियम की कंडीशन में होता है, सोडियम का जो लेवल है वो बढ़ता है। और गाइस अब इसकी साइड इफ़ेक्ट की बात करें तो साइड इफ़ेक्ट सबसे बड़ा ये है कि इस टैबलेट को लेने के बाद आपको बारी बारी यूरिन आता है, और डिहाइड्रेशन हो जाता है इस टैबलेट को लेने के बाद, नोज़िया वोमिटिंग डायरिया या पेट में एब्डोमेन भी हो सकता है। और सबसे बड़ी बात ये है कि आपको ये जो टैबलेट है ये 1 महीने से ज़्यादा यूज़ नहीं करनी। और जब ये टैबलेट यूज़ करते हैं तो हॉस्पिटल में इसको पहले जो पेशेंट को देके देखते हैं कि इस टैबलेट का कोई साइड इफ़ेक्ट तो नहीं है, या पेशेंट टॉलरेट कर सकता है इस टैबलेट को, नहीं कर सकता। अगर सारा कुछ सही रहता है तो इस टैबलेट को फिर पेशेंट को देते हैं होम के लिए। ओके, तो आज का इतना था बस। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया, और पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और मैं आपसे अगली वीडियो में फटाफट मिलता हूँ, तब तक के लिए गुड बाय।